नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नवंबर का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कहते हैं ग्रह गोचर, आपके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, सभी की संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर में ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, इस महीने आपके राशि के स्वामी सूर्य नीच राशि के रहेंगे 15 तारीख तक। उसके बाद वो 16 तारीख से वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष सूर्य आपका बढ़ा सकते हैं, थर्ड हाउस में रहेंगे। यात्रा करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, चोरी आदि की घटना आपके साथ हो सकती है, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसके बाद मंगल की बात करें दर्शकों, तो मंगल भी नीच राशि में रहेंगे आपके द्वादश भाव में, और पूरे महीने मंगल का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर मंगल थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, आगे इसके विस्तार से बात करेंगे। आगे देखें दर्शकों, तो देखिए बुध की स्थिति देखते हैं, तो बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे। आपके लिए बुध का गोचर ठीक है, आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर बुध आपको जरूर लाभ पहुंचाएंगे। इसके बाद देखिए शुक्र की स्थिति को समझें, तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए शुभ बना हुआ है इस महीने में। धनु राशि में रहेंगे शुक्र पंचम भाव में, शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। आगे देखें तो गुरु का प्रभाव वृषभ राशि में रहेगा। शनि कुंभ राशि में 15 तारीख को मार्गी भी हो रहे हैं। इसके बाद राहु और केतु का गोचर भी मीन और कन्या राशि में बना हुआ है। ये देखिए दर्शकों, सभी ग्रह मिलकर कैसे आपको प्रभावित करेंगे, क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे नवंबर में, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर के अशुभ दिन कौन से हैं, जहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, चंद्रमा जब भी हमारी राशि से अशुभ भाव में गोचर करते हैं, शनि या राहु के संपर्क में आते हैं, तो वो दिन हमारे लिए कष्टकारी रहते हैं, तनाव वाले रहते हैं। तो हमें उन तारीखों का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो 11 तारीख का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में रहेंगे, शनि और चंद्रमा की युति रहेगी। कोई ना कोई व्यापार में नुकसान हो सकता है, कोई भी प्रकार का नया काम शुरू इस दिन मत करिए, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वैवाहिक जीवन में कोई तकरार हो सकती है जीवन साथी के साथ, वाद विवाद को टालिए 11 तारीख के दिन। इसके बाद देखिए दर्शकों, आगे 19 तारीख का दिन अच्छा नहीं है, चंद्रमा राहु का प्रभाव रहेगा 11th हाउस में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए कोई धन का नुकसान हो सकता है, कोई बड़े भाई से झगड़ा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी नया काम शुरू मत करिए 19 तारीख के दिन भी, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, आगे देखें तो 21 तारीख का दिन अच्छा नहीं है, 12th हाउस में चंद्रमा रहेंगे, खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई ना कोई मानसिक तनाव रह सकता है, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, संघर्ष ज्यादा रहेगा। तो 21 तारीख को मन को शांत रखने का प्रयास करिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं शुभ दिनों की, जहां पर आपको आर्थिक लाभ होंगे, मनी फ्लो अच्छा रहेगा। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले 3 और 4 तारीख का दिन काफी अच्छा है, सम सप्तक संबंध बनेगा गुरु चंद्रमा का, तो इस दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी शुभ दिन रहेंगे ये 3 और 4 तारीख। कोई फंसा हुआ पैसा है तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको पेमेंट मिल सकता है आपका, कोई बड़ा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 10 तारीख का दिन काफी अच्छा है, 4-10 का संबंध गुरु चंद्रमा का आर्थिक लाभ जरूर करवाएगा आपको। इसके बाद 16 और 17 तारीख का दिन सबसे अच्छा रहेगा, इस दिन गुरु चंद्रमा की युति आपके दशम भाव में, कार्य क्षेत्र में कोई मान सम्मान मिलेगा, कोई बड़ा धन लाभ होगा, व्यापार है चाहे जॉब है, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का दिन रहेगा ये। अब देखिए दर्शकों, विस्तार से बात करते हैं सभी के लिए नवंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स की, कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए दर्शकों, इस महीने में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है, गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, इस कारण बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी होगी। कोई भी एग्जाम वगैरह आ रही है तो ये महीना यादगार बन सकता है आपके लिए, रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे, साथ ही आपको सम्मानित किया जा सकता है, विद्यार्थियों को कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, ऐसी भी शुभ स्थिति बन रही है। अगर आपकी संतान कार्यरत हैं तो उनको भी अच्छी रिजल्ट मिलते दिख रही हैं, संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति को देखें तो यहाँ पर आपके लिए भी बहुत शानदार स्थिति बनी है। सबसे पहले तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको इस महीने नौकरी लग सकती है, 10, 11, 12 तारीख बहुत शुभ रहेगी, इस दिन आप प्रयास करिए, आपको नई जॉब मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा आपका। हाँ, भागदौड़ रहेगी क्योंकि सूर्य नीच के हैं, तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा,
पर 15 तारीख के बाद स्थितियां बहुत शानदार हो जाएगी आपके लिए। कार्य क्षेत्र में छा जाएंगे आप, क्योंकि गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद करिए, वहां पर अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, व्यापार की बात कर लेते हैं। तो देखिए व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है इस महीने में, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। शनि आपका अच्छा व्यापार चलाएंगे। गुरु और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो कार्य क्षेत्र में आपको एक तरह से बड़ी सफलताएं दिलाएगा। व्यापार में कोई परेशानी थी, दिक्कतें आ रही थी, दूर होंगी। व्यापार अच्छा चलेगा, गति पकड़ेगा, तो अच्छी शुभ स्थिति बन रही है आपके व्यापार के लिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है आपके लिए। बुध ने शुभ स्थिति बना रखी है, बुध आपको अच्छे धन लाभ जरूर करवाएंगे। परंतु मंगल आपके द्वादश में नीच राशि के हैं, तो खर्च भी हो सकता है। खर्च होगा देखिए कहाँ पर, एक तो देखिए यात्राओं पे आपका खर्च हो सकता है, दूसरी बात आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी कोई भी खरीद करते हैं तो बहुत सावधान रखिएगा। सावधानी हटी तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई गलत प्रॉपर्टी आपको हाथ में लग सकती है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, आपका कोई झगड़ा चल रहा है भाई के साथ में, तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत है, बस खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। कर्ज वगैरह ना लें, अन्यथा दिक्कतों में फंसेंगे आप। अब दर्शकों बात करते हैं आगे कि आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके बीच में प्रेम बढ़ने वाला है। वैवाहिक जीवन की जो तकरार है, कोई वाद विवाद है, तो वो सॉल्व होंगे। इस महीने आप दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होता हुआ दिख रहा है, काफी अच्छे रिलेशनशिप, आपके बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। कोई परेशानी नहीं है, बस जीवन साथी को समय देने का प्रयास करिए, क्योंकि इस महीने भागदौड़ ज्यादा रहेगी। तो परिवार को समय दीजिए, उनके साथ कोई ट्रेवल करिए, घूमने फिरने का प्लान बनाइए, तो वो भी एक तरह से आपसे खुश रहेंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए इस महीने में कोई शुभ प्रस्ताव आ सकता है। आपके लिए रिश्ता तय हो सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, शुभ स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों पर स्थितियां काफी मधुर है। कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, बस देखिए आपके राशि के स्वामी नीच के हैं, तो अपने गुस्से को साइड में रखिए, घमंड को साइड में रखिए। अगर ईगो के चलते आप पार्टनर का दिल दुखा देंगे तो फिर तो परेशानी होगी, अन्यथा ये महीना बहुत शुभ है प्रेम संबंधों के लिए भी। अगर आप देखिए प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस महीने में घर वालों से बात कर सकते हैं, आपको मंजूरी मिल सकती है। अब दर्शकों बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी नवंबर के महीने में। हेल्थ के दृष्टिकोण से महीना कमजोर है। यहाँ पर देखिए आपके राशि के स्वामी नीच के हैं, मंगल नीच के हैं, तो एक तो आप हड्डियों की शिकायत रह सकती है, हड्डियों के दर्द की शिकायत रह सकती है। यहाँ पर आपकी उम्र ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है अपने हेल्थ का। यहाँ पर अगर आपको हृदय रोग से संबंधित परेशानी है तो विशेष सावधानी रखिए। 15 तारीख तक हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ सकती है। ड्राइव करते समय केयरफुल रहना है, क्योंकि राहु का गोचर भी आपके अष्टम से है और मंगल भी नीच राशि के हैं, तो ड्राइव करते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, चोट चपेट की संभावनाएं बन रही है। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा कमजोर है। खान पान का ध्यान रखिए, अगर आप पहले से बीमार हैं तो समय पर अपना चेकअप जरूर करवाइए। इसके बाद देखिए दर्शकों, इस महीने को शुभ और लाभकारी बनाने के लिए उपाय क्या करना चाहिए। एक तो देखिए आपको हर रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर जल अर्पित करिए, इससे बहुत शुभ स्थिति आपके जीवन में बनेगी। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, इससे भी जीवन में शुभता आपके आएगी। तो ये उपाय जरूर करिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।